मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्ज़ाम में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो SCGB LDC 2019 का DME यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, इनके बारे में। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो DME होने का डेट था यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, वो 22 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 तक था। ठीक है, लेकिन रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट ने एक सिग्नल दिया है, ठीक है, एक सिग्नल इन्होंने दिया है दो अप्रैल 2024 को। ये वीडियो जिन लोगों ने अपना मेडिकल करवा लिया है, चाहे वो फिट हैं या अनफिट हैं या टेम्पोरी अनफिट हैं, वो जरूर इस वीडियो को 100% इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साझा करने वाला हूँ। तो रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट ने एक सिग्नल दिया है उन बटालियन को, उन संस्था को, जिनका DME रिपोर्ट हार्ड कॉपी में अभी तक GC प्रयाग राज को नहीं मिला है। ठीक है, तो वैसे जो टोटल कैंडिडेट हैं वो 307 कैंडिडेट हैं। ठीक है, कितना? 307। ठीक है, और जो टोटल मेडिकल होना था यानी जिनका DME होना था, वो टोटल कैंडिडेट थे 1493। ठीक है, लेकिन DME रिपोर्ट जो हार्ड कॉपी में जाना था, वो अभी तक गए हैं 1186 का। यानी 307 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका DME रिपोर्ट अभी तक GC प्रयागराज नहीं गया है। ठीक है, तो ये 360 का जो लिस्ट है वो लिस्ट आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों का नाम है तो जल्द से जल्द आपको भेजना है। ठीक है, वो मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो ये सिग्नल है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 तारीख का, और DIG सेंट रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट ने इन सभी बटालियन को भेजा है। तो यहाँ आप एक बार नज़र दौड़ा सकते हैं कि इसमें आपकी बटालियन अगर है तो 100% आप 307 वाले लिस्ट में होंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन। सपोज दैट जो ये 307 का लिस्ट है जिनका रिपोर्ट अभी तक पहुंचा नहीं, ठीक, सपोज दैट आपका DME हो चुका है यानी मेडिकल हो चुका है, ठीक, बट यहां पे 307 वाले में आपका नाम है, ठीक, तो अब करना क्या है? ठीक, तो आप डायरेक्ट EC1 से बात कीजिए, ठीक, कि हार्ड कॉपी जो है GC प्रयागराज, GC प्रयागराज भेजवाइए, और ये हार्ड कॉपी जाएगा बाय हैंड आप याद रखेंगे। ठीक है, जो ये हार्ड कॉपी है ये हार्ड कॉपी जाएगा बाय हैंड। अगर बाय हैंड में प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक आपकी बटालियन कहीं और है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बटालियन दिल्ली में है, ठीक, और आपकी कंपनी मणिपुर में है,
क्लियर है। तो ये जो बाय हैंड है आप क्या करेंगे फिर, कंपनी से सबसे पहले कहाँ भेजेंगे, तो कंपनी से आप दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली से फिर जीसी प्रयागराज भेजेंगे। तो ये टाइम बाउंड है, जो लिस्ट पहुंचनी है लास्ट डेट इन्होंने दिया है 5 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। हालांकि मैंने परसों भी कोशिश किया था वीडियोस बनाने के, टेक्निकल इशू के कारण उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, और कल भी थोड़ा सा इशू आ गया, तो इसलिए आज मैं फिर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये 5 तक पहुँचना है, अगर प्रॉपर चैनल चलेंगे तो मे भी हो सकता है ना पहुँचे। तो यह तो कंपनी से डायरेक्ट बाय हैंड कहाँ भेज दिया जाए, जीसी प्रयागराज, ठीक है, बटालियन में ना भेज के आप, क्योंकि कंपनी से आप भेजेंगे बटालियन में, बटालियन से फिर जाएंगे जीसी में, तो ये एक लंबा रूट हो जाता है, ठीक है। तो बाय हैंड अगर पॉसिबल है तो डायरेक्ट जीसी प्रयागराज भिजवाइए, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्री कर दीजिए, ठीक है। और किनको रजिस्ट्री करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, रजिस्ट्री जो आप करेंगे, रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट दोनों चल सकता है, बट सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि आपकी रजिस्ट्री हो जाए। टू में आप लिखेंगे टू डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ प्रयागराज, ये पूरा एड्रेस है। और फॉर्म में क्या करना है, फॉर्म में लिखना है द ऑफिसर कमांडिंग, द ऑफिसर कमांडिंग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे D-27 बटालियन दिल्ली, पिन नंबर दे दें और मोबाइल नंबर दे दें, ठीक है, जो आपके ऑफिस का मोबाइल नंबर है, क्लियर। और ये जो आप भेजेंगे रजिस्ट्री, ये आप कवरिंग लेटर के साथ, कवरिंग लेटर होना चाहिए, कवरिंग लेटर, ठीक है, प्लस आपका डीएमई रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन ये आप EC1 से बात करने के बाद आप भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप EC1 से बात करने के बाद आप, या अपने जो आपके OC हैं या कंपनी कमांडर हैं उनसे बात करने के बाद, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि बाय हैंड कोई डिटेल हो बाय हैंड लेके चला जाए, अन्यथा आप रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट का सहारा ले लीजिए। लेकिन एक फ़ोटो अपने डीएमई रिपोर्ट का, एक अपना मोबाइल में फ़ोटो रख लीजिएगा, यानी कह सकते हैं आप उस रिपोर्ट को स्कैन कर लीजिए या फ़ोटो ले लीजिए इन फ्यूचर, कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसका एक फ़ोटो लेकर रख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट जो पहुंचने का है फिर एक बार मैं बता देता हूं, वो है 5/4/24, लेकिन अभी और मे भी हो सकता है डेट एक्सटेंड करे, ठीक है, इतना जल्दी पहुंच नहीं सकता है, क्लियर है, क्योंकि आपको पता है कि 4 से 5 दिन लगेंगे ही लगेंगे मिनिमम टाइम। अब देखिए, ये जो 307 का लिस्ट है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आपको करना क्या है, ये टोटल एग्जाम की वेबसाइट है, ठीक, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इस टैब पे जाना है, आप मोबाइल फोन में भी खोल सकते हैं, वेबसाइट है www.totalexam.in, इस टैब को खोलेंगे तो आपको एक 307 वाली लिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन था, और आप लोग इग्नोर मत कीजिए, इसे सीरियस लें, और ज़रूर आप लोग सब लोग चेक करें कि 307 में हमारा नाम है या नहीं है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।